bismillahirrahmanirrahim uh, we are starting a series of uh, econometrics lectures this is our first lecture फ्राम डैट सीरीज सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग टॉनॉमेटिक्स इकोनोमैटिक्स क्या है वाई अर सप्रिसिप्लिन मैथडोलॉजी ऑफ इकोनोमैटिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमेटिक्स सो इस सीरीज के अंदर हम क्या देखेंगे बेसिक इकोनॉमेटिक्स के कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमेटिक्स क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी यूजेस क्या हैं और उसके बाद हम देखेंगे इकोनोमेटिक्स दूसरी जो डिसिप्लिन है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है और उसके बाद हम मैथडोलॉजी पढ़ेंगे इकोनोमेटिक्स की मैथडोलॉजी क्या है किस मैथडोलॉजी के तहत हम इकोनोमेटिक्स में को यूज करते हुए एम्पीरिकल रियल डाटा को रिग्रेस करके उसे इम्पेरिकली टेस्ट करके किस तरह हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं और उसको पॉलिसी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे इकोनोमेटिक्स की टाइप्स इकोनोमेटिक्स की जो मेजर दो टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो इकोनोमेटिक्स बेसिकली अगर हम लिटरली uh, मीनिंग uh, को देखें uh, उसमें इकोनॉमिक मैर का नाम क्या है इकोनोमेटिक्स कि आप कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी को इकोनॉमिक लॉ को आप एम्परिकली विद द हेल्प ऑफ डाटा मैर करेंगे सो so, हम जिस सब्जेक्ट के थ्रू करेंगे उसे हम इकोनोमेटिक्स कहते हैं और एक और डेफिनेशन के तहत आप देखें तो बेसिकली कम्बिनेशन है किसका इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इसके अलावा एक और डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल बेसिकली इज अ सोशल इन विच द ऑफ इकोनॉमिक थ्यूरी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुस आर इकोनॉमिक फिनोमिना और एनी हाइपोथेसिस कि किसी हाइपोथेसिस को हम टेस्टिफाई कर रहे हों किस किसके थ्रू के इकोनॉमिक थ्योरी हो जो कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन है और विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन मैथमेटिकल फंक्शन और स्टेटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हुए किसी रियल डाटा के ऊपर हम क्या करें रिग्रेस uh, करके उनके रिजल्ट को निकालें तो ये सारे काम हम एक सब्जेक्ट के थ्रू करेंगे उससे हम इकोनोमेटिक्स कह रहे हैं और लास्टली हम एक और बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन को देखेंगे इकोनॉमेटिक्स इज कंसर्न विद द एम्पीरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज इकोनॉमिक लॉज को अगर एम्पीरिकली देखा जाएगा जब इम्पेरिकली टेस्ट करेंगे तो जिस सब्जेक्ट के थ्रू करेंगे उसे हम इकोनोमैटिक्स कहते हैं सो कंक्लूड यह करेंगे कि इकोनोमैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक थ्योरी को उसके हाइपोथेसिस को विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स और मैथमेटिकल नोटेशन फंक्शन इक्वेशंस के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं और उस रियल डाटा को यूज करते हुए उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सो so, ये सारे काम एक, एक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम करते हैं इकोनोमेटिक्स सो so, हम ंडली uh, देखेंगे इकोनॉमेटिक्स को हम एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर uh, क्यों पढ़ते हैं और क्यों uh, अगर इकोनॉमिक थ्योरी को देखा जाए क्या ये सफिशियंट नहीं है हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर को या हमारे बिहेवियर को मैयर करने के लिए सो so, अगर इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी हाइपोथिस बेस होती है जो कि मोस्टली क्वालिटेटिव है इसमें ना कोई मैथमेटिकल रोटेशन होगी अगर हम सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें ना ही इसमें कोई इंपेरिकल डाटा को यूज किया जाएगा हम सिर्फ क्वालिटेटिव uh, वेरिएबल्स को लेते हुए क्वालिटेटिव नेचर की हाइपोथेसिस को हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज को ना यूज करेंगे ना ही कोई डाटा को यूज करेंगे सो डैट्स वाई अगर आप इकोनॉमेटिक्स को देखें इकोनॉमेटिक्स एक मर्ज uh, है इन सब इन तीनों का सो so, इसीलिए अगर आप सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी को यूज करते हो कहें कि हम ह्यूमन uh, बिहेवियर को कर सकते हैं उसके कंजम्पशन पैटर्न को मेजर कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है सो so, इसके लिए हमें आ, और भी आ, जो फील्ड्स हैं इनको ऐड करना होगा इसमें जैसे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर सिंपल मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इकोनॉमिक थ्योरी को एक्सप्रेस करता है किसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस में या मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल फार्मूला की मदद मतलब से हम लेकिन इसमें एक और आ, जो पॉइंट है वो ये है कि कोई इंपिरिकल आ, जो वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती इसमें मैथमेटिकल नोटेशंस को इक्वेशंस को यूज किया जा रहा हो और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें दैट मेनली कंसर्न विद द कलेक्टिंग प्रोसेसिंग प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स इकोनॉमिक्स को हम किसी चार्ट्स के जरिए किसी टेबल्स के जरिए उनको प्रोसेस करते हैं कलेक्ट करते हैं और उसके प्रेजेंट करते हैं ये सारे काम इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में करते हैं जबकि आप अगर इकोनॉमेटिक्स को देखें तो हम उसमें क्या करते हैं हम इकोनॉमिक थ्योरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो हम इकोनोमैटिक्स uh, एक सब्जेक्ट के तौर पे हम उसे इंट्रोड्यूस करके उसे हम पढ़ते हैं सो इसीलिए इकोनॉमेटिक्स इज कंपलसरी फॉर द एम्पीरिकल एनालिसिस सो जहाँ तक इकोनॉमेटिक्स uh, के एम्पीरिकल एनालिसिस करने के लिए uh, हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत है उन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथिस इट मीन हम करते क्या है हम कोई थ्योरी इंट्रोड्यूस कराते हैं और उस थ्योरी जो पहले से एक थ्योरी सपोज थ्यूरीप है और उसे हम इम्पीरिकली टेस्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले उस थ्योरी के हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे अगर आप इकोनॉमेटिक्स uh, की बात करें स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ दो तरह के हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं उसमें सबसे पहला होता है नल हाइपोथेसिस दैट इज एच नॉट एच नॉट हम एक नल हाइपोथेसिस आते हैं और उसके अगेंस्ट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज एच वन सो हम कोई भी हाइपोथेसिस को पहले अज्यूम करेंगे जो जिसको हमने टेस्टिफाई करना है अगर वो पहले से थ्योरी डेवलप है और किसी एक कंट्री के केस में या किसी एक केस स्टडी की सूरत में वो प्रूव हो चुकी है लेकिन हम उसे किसी और कंट्री या किसी और एरिया या रीजन की केस स्टडी के तौर पे देखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उस हाइपोथिस को कंसिडर करेंगे और उससे रिलेटेड जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल एक ली गई है कि जैसे

इनकम का बढ़ने का बढ़ने की रेशो और कंजम्पशन के बढ़ने की रेशो में प्रोपोर्शन सेम नहीं है उसमें डिफरेंस होगा अगर सपोज़ हम इसी थ्योरी को प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसको पहले एक हाइपोथेसिस कंसीडर करेंगे उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम इसके स्पेसिफिकेशन करेंगे मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में सपोज अगर ये इसको देखा जाए तो एक मैथमेटिकल मॉडल गिवन है जिसमें बीटा वन और बीटा टू ये बीटा टू और बीटा वन ये दो पैरामीटर्स हैं जिनमें बीटा वन को इंटरसेप्ट कहते हैं और बीटा टू को स्लोप कहते हैं और वाई यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये ये शो कर है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये वाई को अफेक्ट करेगी सो अगर हम बीटा वन और बीटा टू को देखें इस एग्जाम्पल में केन्स के कंजम्पशन फंक्शन में तो यहाँ देखें वाई एक्सिस पर कंजम्पशन है बिकॉज अगर हम अपने फा, अपने फंक्शन को देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन है और एक्स एक्सिस पर इनकम है और यहाँ ये यह शो किया जा रहा है कि इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन कितनी चेंज हो रही है सपोज अगर आप आ, बीटा वन या बीटा टू को मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली डिराइव करना चाहते हैं तो आपको कुछ फार्मूलों की मदद से इसकी वैल्यूज मिलेंगी सपोज अगर आपको आप बीटा वन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास फार्मूला है वाई बार माइनस बीटा एक्स बार और अगर आप बीटा टू की वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे एन समेशन एक्स वाई माइनस समेन एक्स समेन वाई ओवर एंड समेन एक्स स्केयर माइनस समेन एक्स होल स्केयर इट मीन अगर आपने अल्फा की वैल्यू या इसको बीटा वन कह रहे हैं हम यहां बीटा वन की या बीटा टू की वैल्यू को निकालना है उसके लिए आपको पहले डाटा चाहिए डाटा को आप हाँ यूज करते हुए इन दो फॉर्मूलों की मदद से इसको एम्पीरिकली एनालिसिस करते हुए इसको हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेट करेंगे सो so, वो ये ट्रेंड बताएगा कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है ये पॉजिटिव रिलेटेड है या नेगेटिव रिलेटेड है और ये ये वैल्यू बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो ये पैरामीटर बीटा टू दिया गया है इसका जो साइन है ये शो करेगा ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब तब इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा अगर ये नेगेटिव है तो ये बताएगा इसका रिलेशनशिप क्या है नेगेटिव है नेक्स्ट हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में के स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमेट्रिक मॉडल यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि जो एरर टर्म है ये बेसिकली जब भी हम इकोनॉमेट्रिक मॉडल को यूज करते हैं तो इसमें हम एरर टर्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं सो so, दो तरह के मॉडल्स uh, हैं Uh, दो तरह की अप्रोचेज हैं जिसमें हम कहते हैं जी एक है डिटरमिनिस्टिक अप्रोच और दूसरी है स्टोकेस्टिक अप्रोच डिटरमिनिस्टिक अप्रोच वो है जिसमें मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें हम सपोज uh, यू कह सकते हैं कि टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर सो आप अगर इसको नेचुरल uh, साइंस में देखें तो मैथमेटिक्स में देखें तो टू प्लस टू फोर ही आएगा हमेशा लेकिन ये एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के तहत है नेचुरल साइंस की अप्रोच के तहत है ये ये कुछ लेकिन अब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम चूँकि ह्यूमन बिहेवियर को मैयर कर रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर में एरर के चांसेस हैं सो so, इसीलिए हम क्या करते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल में एरर टर्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बाकी मॉडल से मैं देखा जाए तो ये हमारे पास वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है बीटा वन हमारे पास इंटरसेप्ट uh, की वैल्यू है इंटरसेप्ट बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ को शो करता है और बीटा टू क्या है राइज ओवर रन इट मीन चेंज इन ओवर डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज by change in इन uh, in, uh, independent variable कि independent variable की वजह से dependent में क्या change आया ये हमें बीटा uh, beta 2 की ki बताएगी batayegi so, uh, यहाँ हमने जैसे कि बात की कि यू आई इसको uh, ui आई uh, के तौर पे यहाँ हम ट्रीट कर रहे हैं ये हमारी एरर टर्म है ये रेंडम एरर टर्म है स्टोकैस्टिक वेरिएबल के तौर पे हम इसे ले रहे होते हैं और ह्यूमन uh, बिहेवियर की वजह से हम इस एराटम को इन्वॉल्व करते हो अदर फैक्टर जो कि जो हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे उनकी कुछ uh, जो मयट है उनकी कुछ वेल प्रोबेबलिस्टिक प्रॉपर्टीज की uh, बेस पे हम इसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि फोर्थ स्टेप में हम डेटा ऑप्टेन करते हैं जब भी हमें कोई एम्पेरिकली uh, टेस्ट करना चाहे करना पड़े किसी भी इकोनॉमेटिक इकोनॉमिक थ्यूरी को किसी हाइपोथिस को तो हम क्या करते हैं डेटा सपोज अगर आप डेटा की बात करें तो डेटा की मेजर जो जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं एक है सपोज प्राइमरी डेटा और दूसरी है सेकेंडरी डेटा सो so, अगर आपकी जो रिसर्च की नेचर है जो जो डेटा की नेचर है या आपका जो हाइपोथेसिस है वो प्राइमरी बेस्ड डेटा पर है तो आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे ये थ्रू क्वेश्चनर हो सकता है ये इंटरव्यू लेकर आप कलेक्ट कर सकते हैं आप डिफरेंट सोर्सेज से इसको कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनर डेवलप करके लेकिन जब जहां बात सेकेंडरी डेटा की है तो सेकेंडरी डेटा मजीद जो तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाता है पहला हमारे पास है टाइम सीरीज डेटा टाइम सीरीज डाटा में हम क्या करते हैं हम हम को कर रहे होते हैं हमें अगर हमें पी uh, का डाटा चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का डाटा चाहिए और हम टाइम पीरियड 1990 से लेके ऑनवर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमें ये टाइम सीरीज डाटा कलेक्ट किसी एक सिंगल कंट्री का दूसरा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डाटा क्रॉस सेक्शनल डाटा बेसिकली क्या है वो डाटा डेट कैन बी कलेक्टेड विद इन टाइम कि जो एक वक्त में कलेक्ट किया जाए डिफरेंट एंटिटीज होंगी डिफरेंट कंट्रीज होंगी लेकिन टाइम पीरियड एक होगा और लास्ट है हमारे पास पैनल डाटा पैनल डाटा बेसिकली क्या है इन दोनों का कम्बिनेशन है कि इसमें एंटिटीज भी डिफरेंट होंगी और टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा सो so, हमारा पॉइंट है कि हम डेटा uh, ऑब्टेन करेंगे वेदर इट इज टाइम सीरीज और क्रॉस uh, सेक्शनल और पैनल डाटा जो अगर सिंगल कंट्री एनालिसिस है तो हम क्या करेंगे इसे टाइम सीरीज डाटा के थ्रू हल करेंगे इसे कलेक्ट करेंगे और अगर है पैनल uh, एनालिसिस uh, तो डिफरेंट कंट्रीज होंगी डिफरेंट वेरिएबल्स uh, का डिफरेंट टाइम पीरियड में और कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा उसमें हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा वो हम पैरामीटर की वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे सपोज हम कह रहे हैं कि बीटा वन को मैथमेटिकली हमने जब फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया और बीटा टू का जो हमने फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया सो so बीटा वन और बीटा टू को आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे सपोज मैंने जो प्रीवियस एग्जाम्पल ली थी उस एग्जाम्पल में हमने फार्मूला भी लिखा था बीटा वन बीटा टू का हमने एक डाटा यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली यहां ये यह समझने की जरूरत है हम इनकी वैल्यू वैल्यूज को यहाँ एक डाटा की मदद से हासिल कर रहे हैं और हम इनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं सो so, ये वाई जब भी आप कोई एस्टीमेट कर लेते हैं वैल्यू तो उसको हम वाई हैट के तौर पे सपोज ये एस्टीमेटेड वाई हैट है इट मीन कि ये कैलकुलेटेड है विद द हेल्प ऑफ डाटा डाटा को आपने यूज करते हुए बीटा नॉट की वैल्यू और बीटा वन की या इसको बीटा वन और बीटा टू कह सकते हैं ये आप डिपेंड करता है कि आप इसकी इसके नाम चेंज भी कर सकते हैं इसको अल्फा रख सकते हैं, इसको बीटा रख सकते हैं। इसके मुताबिक क्या है कि अगर आप इसे इंटरप्रेट करें तो एक्स के चेंज होने की वजह से वाई क्या है पॉजिटिव चेंज आ रहा है और वो कितना है जीरो पॉइंट सेवन जीरो सिक्स फोर इट मीन वन यूनिट चेंज इन एक्स टी

पेश और लास्ट में हम सेकंड लास्ट जो हम देख रहे होते हैं वो हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं सपोज हमने जो शुरू में एक नल हाइपोथेसिस बनाया था जिसको हमने कहा था कि एच नॉट है और दूसरा हमारे पास हाइपोथेसिस था वो था एच वन सो एच नॉट और एच वन को किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम उसे हल करते हैं सपोज हम कहते हैं जी हम जो हमारे सैंपल साइज है वो का स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या जी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है ये डिपेंड करता है डाटा की नेचर पर और टाइम पीरियड पर सो so, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉलो कर रहे हैं जो जो टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू तो हम हाइपाथिस की टेस्टिंग करेंगे और क्रिटिकल रीजन वगैरह बनाएंगे और हम अपने हाइपाथिस को टेस्टिफाई करेंगे उसके लिए क्या होगा आपके पास दो तरह की वैल्यूज होंगी जिसमें एक क्रिटिकल वैल्यू होगी एक कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और हाइपोथिस उनकी बेस पे हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे और सेवेंड स्टेप जो है बेसिकली वो क्या है फोरकास्टिंग और प्रोडिक्शन जो हमने एनालिसिस किया ऑन द बेफ ऑफ इम्पेरिकल डाटा हम क्या करेंगे उसकी बेस पर फोकास्टिंग करेंगे या प्रोडिक्शन करेंगे इट मीन हमने यहाँ ये यह बात की कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजिबल इनकम कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है ये हमारा हाइपोथेसिस प्रूव भी हो गया हमें जो कि बीटा की वैल्यू बीटा टू की वैल्यू मिली वो पॉजिटिव में थी और वो ये शो कर रही है कि अगर आप वन यूनिट एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई क्या है इंक्रीज uh, हो जाता है जीरो पॉइंट सेवन जीरो सिक्स फोर यूनिट सो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं हम फोर कर सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन इन फ्यूचर Uh, अगर x की वैल्यू को और बढ़ाया जाए तो y इंक्रीज होगा इट मीन इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी ये हम इसको फोकास्ट uh, कर सकते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं जो मॉडल हमने यूज़ किया जिसको हमने एस्टिमेट किया विद हेल्प ऑफ डेटा हम उसे एज अ पॉलिसी पर्पज यूज़ कर सकते हैं और इसी बेस पे पॉलिसी दी जाती है और ये ये आ, कुल आठ स्टेप्स थे इन आठ स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं हम किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को आ, किसी इकोनॉमिक हाइपोथेसिस को इम्पीरिकली uh, टेस्टिफाई करते हैं कोई रियल इकोनॉमिक डाटा लेते हुए उसे चेक कर रहे होते हैं सो so, ये एक uh, इसका फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू हम उन स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले हमने क्या किया इकोनॉमिक थ्योरी को उसकी फार्मोलेशन की उसके हाइपोथेसिस की फार्मोलेशन की उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाया उसी थ्योरी का और उससे अगले स्टेप में हमने इकोनोमेटिक मॉडल मॉडल बनाया uh, जो कि एरर बेस्ड था इट मीन हमने उसमें uh, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी और ये क्या थी स्टोकेस्टिक अप्रोच थी ये एरर बेस्ड अप्रोच थी उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो डाटा की कलेक्शन uh, था कि डाटा अगर आप यूज कर रहे हैं सिंगल कंट्री एनालिसिस तो टाइम सीरीज डाटा अगर आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज का डाटा विद इन सिंगल टाइम पीरियड टू क्रॉस सेक्शनल डाटा होगा और अगर आप देख रहे हैं टाइम uh, सीरीज और क्रॉस सेक्शन दोनों को मिला रहे हैं तो वो क्या बनेगा वो पैनल डाटा होगा इसमें एंटिटीज भी डिफरेंट कंट्रीज भी डिफरेंट होंगे और टाइम भी डिफरेंट होगा सो so, हम uh, इस इकोनोमेटिक मॉडल को फिर क्या करेंगे एस्टिमेट करेंगे एस्टिमेट करने के बाद हाइपोथिस टेस्टिंग करेंगे उसके लिए मैंने आपको भी बताया था कि कोई भी हम टेस्ट uh, फॉलो करेंगे कोई भी हम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे कोई टेस्ट uh, अप्लाई करते उसको रिग्रेस करके रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद फोकास्टिंग और लास्ट में हम उसको एज अ पॉलिसी पर्पज के लिए यूज करते हैं सो so, नेक्स्ट हमारा क्या होगा इकोनोमेटिक्स uh, की टाइप्स uh, क्या हैं इकोनोमेटिक्स बेसिकली अगर uh, uh, देखा जाए तो इकोनोमेटिक्स की दो बेसिक टाइप्स हैं जिसमें पहली टाइप है थ्योरेटिकल इकोनोमेटिक्स और दूसरी टाइप है अप्लाइड इकोनोमेटिक्स सो थ्योरेटिकल इकोनोमेटिक्स कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ appropriate methods for measuring economic relationships specified by the econometric model. So, economic theoretical econometrics में हम क्या करते हैं, develop करते हैं, models develop करते हैं, और हम econometric economic relationship को देखने के लिए हम theoretical foundation देते हैं. So, जबकि applied econometrics में हम क्या करते हैं, हम theoretical जो econometrics के tools हैं या theories हैं, उनको use करते हैं. अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इट मीन हम क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से इन या इकोनॉमेटिक टेक्निक्स की मदद से रियल इकोनॉमिक uh, जो डेटा है रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटा उसको यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे सो अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स एप्लीकेशन बेस हुई और जो थ्योरेटिकल इकोनॉमेटिक्स है वो थ्यूरी uh, बेस हुई कि हम थ्योरी को यूज करते हुए थ्योरी uh, को डेवलप कर रहे होते हैं और उसको हम यूज कर रहे होते हैं और अप्लाइड में हम उसी थ्योरी को इस्तेमाल uh, कर रहे होते हैं और हम उसको फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज कर रहे होते हैं और लास्ट में हम इसमें कुछ कंपैरिजन करते हैं उस कंपैरिजन में हमने uh, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और उन पॉइंट्स में पहला नंबर पर पॉइंट क्या है कि अगर आप थ्योरेटिकल इकोनॉमेट्स की बात करेंगे डेट फोकस ऑन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग इकोनोमेटिक मॉडल मेथड्स एंड मॉडल्स सो so, हम uh, नए मॉडल्स को डेवलप करते हैं उनको रिफाइन करते हैं मैथ इकोनॉमेटिक थ्योरेटिकल इकोनॉमेटिक्स जबकि अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स स्टैब्लिश द इकोनॉमेटिक मैथड थ्रू रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा हम रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा पर क्या करते हैं थ्यूरेटिकल इकोनॉमेटिक्स को अप्लाई कर देते हैं ये अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स है सो नंबर टू थ्योरेटिकल इकोनॉमेटिक्स कंसर्न विद द अंडरलाइंग मैथेमेटिकल स्टैटिस्टिकल थ्योरी स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल जो थ्योरी है उससे ये कंसर्न करती है थ्योरेटिकल फाउंडेशन की बेस पर और जबकि uh, जो अप्लाइड uh, इकोनोमेटिक्स है ये क्या करेगी ये एग्जिस्टिंग इकोनोमेटिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होगी इट मीन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई uh, ये चेक करना है कि पाकिस्तान की जी Uh, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सपोज मैं कहता हूँ कोई एक फैक्टर है जिसको एक्स वन कह रहे हैं दूसरे को एक्स टू कह रहे हैं एंड सो ऑन किसी दो फैक्टर्स को लेते हुए हम पाकिस्तान की जीडीपी को uh, चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो इस पर इम्पैक्ट uh, डालते हैं और जिसकी वजह से जी टी पी अफेक्ट होती है या तो बढ़ेगी या कम होगी सपोज हमने कोई से भी दो वेरिएबल ले लिए और वो जो भी और ये बेसिकली होता क्या है ये ऑन द बफ ऑफ इम्पीरिकल लिटरेचर होता है सो so, हम करते क्या हैं सपोज टाइम पीरियड है नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी टू का सो so, हम इस इन सालों का डाटा ले लेंगे उस डाटा को कलेक्ट uh, करते हुए हम इसको रिग्रेस uh, करेंगे मल्टीपल uh, रिग्रेशन लगाएं या सिंपल रिग्रेशन लगाएं ये सारे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सो so, हम क्या करेंगे इसको इम्पीरिकली चेक करेंगे कि कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है जी टी पे सो ये इम्पेरिकल जस्टिफाई हो रहा है इम्पेरिकल वैलिडेशन हो रही है सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है थर्ड में के uh, जो इकोनॉमेटिक्स थ्योरेटिकल इकोनॉमेटिक्स है ये न्यू टेक्निक्स स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में डेवलपमेंट के बारे पर फोकस ज्यादा करती है और मेनली फोकस इनका इसी पर होता है जबकि आ... अप्लाइड uh, इकोनोमैटिक्स वो पॉलिसी रिसर्च पर फोकस करती है गवर्नमेंट या इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स पर फोकस करती है उनको एम्पेरिकली टेस्टिफाई करते हैं सो थोरेटिकल इकोनॉमेटिक फोर्थ पॉइंट थोरेटिकल इकोनॉमेटिक्स क्या है ये एक्डेमिक्स में या रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशंस में ये पढ़ाई जाती है जिसके थोरेटिकल फाउंडेशन उसको एक्सटेंड करना या उसके बारे में उसको बेसिक फाउंडेशन के बारे में उसको इंस्टीट्यूशन या रिसर्च एकडेमिक इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसे पढ़ाया जाता है उसे फर्दर इस पर रिसर्च की जाती है जबकि जो अप्लाइड इकोनोमैटिक्स है ये इंटरप्रटेशन की जाती है अप्लाइड या एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमेटिकटिक रिजल्ट्स जो भी हम जैसे कि मैंने अभी बताया कि जीडीपी डी और एक्स वन और एक्स टू का रिलेशनशिप को इंटरप्रट करेंगे तो जो भी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी वो ये शो करेंगी कि इसके आने से इनकी इनक्रीज होने या डिक्रीज होने से इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है और लास्ट में अगर देखें फिफ्थ पॉइंट पर सो थोराटिकल इकोनोमेटिक्स क्या करती है न्यू रिग्रेशन मॉडल्स को हाइपोथेसिस को आ, टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फ्रेमवर्क को क्या करती है डेवलप करती है जबकि जो अप्लाइड इकोनोमैटिक्स है ये क्या कर रही है ये हमारा कोई भी सपोज मिनिमम वेज इंक्रीज का प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसके बारे में हम अप्लाइड में उसको डील करते हैं सो so, आज हम आज के लेक्चर में हमने चार चीजें डिस्कस की हैं जिसके अंदर हमने ये मतलब इनका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है कि इकोनॉमेटिक्स क्या है इकोनॉमेटिक्स को हम एज अ अपरेट क्यों पढ़ते हैं और इकोनॉमेटिक्स uh, की मेथडोलॉजी uh, क्या है और इकोनोमेटिक्स की uh, जो uh, हम कह सकते हैं कि टाइप्स uh, क्या है इन सारों के बारे में हमने आज के लेक्चर में डिस्कस uh, किया सो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे इस अगले चैप्टर uh, के जो बेसिक कंसेप्ट उनको हम डिस्कस करेंगे